नमस्कार मित्रों, प्रिया जी के समाधान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वैशाख मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे मंत्रों के नाम बताऊंगी, जिन्हें यदि आप जाप करें तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि और एकाग्रता का वातावरण बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास भगवान आशुतोष भोलेनाथ का महीना है। भगवान महादेव तो आशुतोष हैं, जो अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा आराधना की कोई बड़ी विशेष विधि नहीं है, वो तो मात्र एक लोटा जल और एक बिलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी में यदि आप उनके प्रिय मास में उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आप भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ माँ पार्वती और प्रभु गणेश की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, घर में सुख शांति का वातावरण चाहते हैं, अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो आप ओम गौरी शंकराय नमः या ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो ज्यादा भी कर सकते हो, जितने दिन संभव हो उतने दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी होगी। आप संभव हो तो अधिक से अधिक माला जाप करें। ऐसा करने से आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण होगा। और इस मंत्रों को करने के लिए कोई समय विधान भी नहीं है। आप भोलेनाथ के मंत्रों का जाप साफ सुथरी अवस्था में किसी भी समय दिन के किसी भी प्रहर में कर सकते हैं, आपको उतना ही विशेष फल प्राप्त होगा। और यदि आप इस सोमवार को प्रदोष को मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके एक मंत्र से अनेक मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं और एकाग्रता का वरदान चाहते हैं तो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप अपनी संतान के लिए कर रहे हैं, अपने भाई अपने बहन किसी के लिए भी कर रहे हैं, संपूर्ण परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा और आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपका मन एकाग्रता से लगेगा, जिससे आपकी तरक्की के रास्ते स्वतः ही खुलने लगेंगे। तो इस मंत्र का बहुत चमत्कारी प्रभाव है। और वैशाख मास में आप भगवान शिव के शिव तांडव स्त्रोत्र, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम और यदि संभव हो तो शिव पंचाक्षरी स्त्रोत का जप अवश्य करें। इन सब स्त्रोतों की अपनी अपनी विशेष महिमा है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा भगवान आशुतोष की कृपा दशानन लंकेश रावण को प्राप्त हुई थी और पंचाक्षरी स्तोत्र के द्वारा माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। ऐसे ऐसे महान स्त्रोत यदि आप भगवान शिव की स्तुति में आप पढ़ते हैं या उनका स्मरण करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो आपको आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और आपका घर सुख शांति से भर जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद है और आपके लिए थोड़ी भी लाभदायक हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनातन धर्म की और भगवान आशुतोष महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव।